नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो असल में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्हें देखकर हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती होगी कि अगर बेटा हो तो उनके जैसा हो। एक जाना माना नाम है, हेल्थ ड्राइव फाउंडेशन के फाउंडर है तरुण मिश्रा जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, आपकी भी होगी जी, तो वो थोड़ा सा बताएं। जैसे हर इंसान की, कोई अगर नॉर्मल है या किसी भी काम से जुड़ा है, तो कोई ना कोई जर्नी रहती है, कोई ना कोई कहानी रहती है। तो मेरा कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट मुझे नहीं याद है कि किस दिन से किस समय से मैंने शुरुआत किया, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि हम कोई चीज को देखते हैं, मोटिवेट होते हैं तो जाके कोई सोच के, जैसे कोई बिजनेस है कि हमें ये करना है, ये चीज ऐसी है कि हम सबके अंदर है और करते रहते हैं और ये चीजें हमें कनेक्ट कर लेती हैं। तो मैं मानता हूं कि मैं इस चीज में कब कनेक्ट हुआ मुझे भी नहीं पता था। मैं तो पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कहीं दूर दूर तक नहीं थी ये चीजें मेरे प्लान में। तो हम बस करते गए और जब हम दिल से करते हैं तो वो चीजें हमें और करवाती है और इन्वॉल्व करती है। तो बस ये सारी चीजें बढ़ गई और कोई पर्टिकुलर डेट याद नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मैं कहूँ तो 9 साल से मैं इस सोशल वर्क में जुड़ा हुआ हूँ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मैं ये काम करता हूँ। तो काफी स्ट्रगल रही है वो तो समझ सकते हैं हम। तो कोई ऐसी चुनौती जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो आपके लिए इस पूरे सफरनामे में? जी जी, स्ट्रगल एक सीधा टर्म में कहूँ तो जो पास्ट की लाइफ है, लाइफ ऐसी रही है कि एक नॉर्मल लोगों जैसी जिंदगी थी, कि हाँ संघर्ष था और काम कर रहे थे, चैलेंजेस थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था मुझे कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आज भी पास्ट के बारे में सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम, मुझे लगता था यही जिंदगी है, क्योंकि हम जिस भी टाइम पे जिस भी समय पे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी जिंदगी अभी भी बेहतर है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वो भी जिंदगी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये सब सोचता रहता था और खुश रहता था। कभी भी लाइफ में मतलब तकलीफें भी थी, काफी तकलीफें थी, फादर का जॉब नहीं था, 13 साल की उम्र में मैंने फुटपाथ पे किताब बेचा सरोजनी नगर मार्केट के अंदर कि घर चला सकूं, फिर आगे कॉलेज में गया, रहने की जगह नहीं थी तो शेल्टर होम में खुद रहा हूं, फिर आज मेरे पास 22 शेल्टर होम है। तो ये सारी एक जर्नी कह सकते हैं और एक ट्रेनिंग कह सकते हैं जिसकी बदौलत मैं काम कर रहा हूं। उसे मैं अपना बुरा दौर नहीं कह सकता, क्योंकि वो दौर ही मेरा गुरु है, वो दौर से ही मैंने सीखा है और हमारा पास्ट जितना संघर्ष भरा होता है हमारा फ्यूचर भी उतना ही अच्छा बन के आता है। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने, फ्यूचर तो ब्राइट है ही आपका। और 22 शेल्टर होम है जैसा कि आपने कहा, तो इसकी जरूरत कब महसूस हुई आपको कि शेल्टर होम बनना चाहिए? जरूरत समय के साथ, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और जब मैं गांव में रहता था तो गांव की जो रहन सहन है, प्रवृत्ति है, आज भी वहाँ कोई शेल्टर होम की जरूरत नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसे कोई शेल्टर की जरूरत है। और हम लोग जो भारत हमारी भूमि है, ये संतों की भूमि है और आध्यात्म और कल्चर और संस्कृति के लिए हम लोग जाने जाते हैं, और हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में ये चीजें थी कि बुजुर्गों की हमें बात सुननी है, बुजुर्ग दुखी नहीं होना चाहिए। तो गांव में आज भी अगर कोई बुजुर्ग होता है, वो भले कितनी भी उम्र का हो, तो उसके सामने कोई बोल नहीं पाता है, वो घर का मुखिया ही रहता है। लेकिन आज जो ये ज्यादा समस्या है ये शहरों में ही ज्यादा है, अर्बन होमलेसनेस ज्यादा है, कि हम अच्छे जिंदगी की चाह में शहर की तरफ आते हैं और शहर में आने के बाद हम प्रगति के लिए इतना भागते हैं कि हम अपने संबंधों में ही पीछे रह जाते हैं, और जो हमारा परिवार है, जो हमारे माँ बाप है या जो हम अपने बच्चों को दे सके, वो सारी चीजें कम होती है। तो हम उन्हें अगर संस्कार नहीं दे रहे हैं तो बदले में भी हमें वही चीज मिलती है। बच्चे को हम अपनी पूरी जिंदगी हम ही है कि गांव से शहर में आए, कमाए, अच्छी जिंदगी जी, हमने बहुत संघर्ष किया, और हम अपने बच्चों से वो संघर्ष छीन लेते हैं, उसे हम अच्छी चीजें देते हैं, ये तो गाड़ी में ही जाएगा, इसे अच्छे स्कूल में जाना है, इसे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इसे सब कुछ, तो हमने उसका स्ट्रगल छीन लिया। उन्हें हमने ये नहीं दिखाया कि हाँ गाँव किस तरह है, कैसी लाइफ हो सकती है, उन्हें हमने वो ट्रेनिंग नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पता ही नहीं है कि टच क्या होता है, क्या आदर है, क्या सत्कार है। तो इसीलिए आज ये सब चीजें बढ़ रही है, शहर की लाइफस्टाइल और गांव के लाइफस्टाइल में काफी भिन्नता है, और भारत गांव से ही पहचाना जाता है। कहते हैं अगर असली भारत देखना है तो गांव जाओ, वहीं पे निवास करता है। लेकिन अब ये सारी चीजें इतनी मॉडर्न होती जा रही है, हम आगे बढ़ने की होड़ में, सो कॉल्ड आगे बढ़ने की, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि हमें क्या चाहिए और कहाँ तक पहुंचना है। हम कितने भी अमीर बन जाए, कितने भी समृद्ध बन जाए, हम जब तक मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। हर आदमी किसी न किसी की तुलना में गरीब है, किसी न किसी की तुलना में अमीर है, तो इस चीज का कोई पैरामीटर नहीं है।
बस सोच हमारी होनी चाहिए। मैंने जब आया अपना बिजनेस भी शुरू किया सूरत में, तो मुझे थोड़ा ही मिला, मैं खुश हो गया। मुझे लगा मेरे पास जो है वो तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास पहले तो ये भी नहीं था, अब मैं ये तो रेस कभी खत्म ही नहीं होगा, तो मैं अपने वो शौक पूरे करूँ जो मेरा मन कहता है। तो मेरा मन था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, मुझे इन सब की दुआएं चाहिए। तो मेरे मन में यही आता था, अगर मैं ये सोचता मैं सेट हो जाऊंगा, बहुत पैसे हो जाएंगे तो मैं जाके सेवा करूंगा, नहीं होगा। हम किसी की भी मदद, हमारा टैगलाइन ये है कि आपका थोड़ा सा समय किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमें हेल्प करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है समय, टाइम। आपके पास अगर टाइम है, अच्छा दिल है, अच्छा मन है, तो अपने समय से किसी की भी हेल्प कर सकते हो। कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं फुटपाथ पे, स्कूल में, सोसाइटी में, या कोई ऐसे स्लम एरियाज में, आप उन्हें जाके अगर रोज 1 घंटे अपना टाइम निकाल के पढ़ाओगे या पढ़ने की इच्छा जगाओगे उनके अंदर, या उनसे बातचीत करोगे, तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इतने बड़े बड़े एम्स है, सफदरजंग है दिल्ली के अंदर, वहाँ लाखों गरीब लोग आते हैं गाँव से, उन्हें प्रोसेस नहीं पता है, नीचे खड़े खड़े ही वो इलाज के बिना रह जाते हैं, उन्हें फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्टर से कैसे मिले, ये सब चीज़ से अनजान है। तो अगर हम अपने एजुकेशन का यूज़ करके उनके प्रोसेसर को थोड़ा ईजी कर दें, उनको जल्दी से डॉक्टर से मीटअप करवा दें, उनका फॉर्म का प्रोसेस कर दें, तो उनकी हेल्प होगी। ऐसे कई सारे तरीके हैं हमारे अंदर, जो भी गुण है, जो स्किल है, अगर हम दूसरे को सिखाते हैं जो जरूरतमंद को, और वो उससे अपने पैर पे खड़ा हो पाता है, तो ये भी एक सोशल वर्क है। और इन सब चीज़ों में कहीं भी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस एक मन होना चाहिए। और जिसका मन जिस चीज़ में आकर्षित होता है वो रुकता नहीं है। बहुत ऐसे उदाहरण हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया है। हमारे ही पास्ट में हम काफ़ी देखेंगे, काफ़ी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके पास नहीं था कुछ, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना नाम लिखा है। क्यों? अपने संघर्ष के बल पे और अपने हार्ड वर्क के उस पे, कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, उस मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता है। तो जो मैंने भी शुरुआत की, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो खुद इतने जो कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था, लेकिन जब करते गए करते गए तो सब चीज़ें अपने आप होती गई, अपने आप हम जुड़ जाते हैं, लोग हमें कनेक्ट कर लेते हैं, सारा जरिया हमें दिखने लगता है। हम जब एक कदम बढ़ाते हैं तभी दूसरा रास्ता हमें दिखता है, हम जब रास्ते पे चलेंगे ही नहीं तो हमें आगे का रास्ता दिखेगा ही नहीं। जैसे सर आपने बोला गांव और शहर का बताया कि गांव में अभी परंपराएं हैं, संस्कृति बची हुई है, लेकिन शहरों में नहीं है जी। लेकिन शेल्टर होम्स जो आपके गुजरात में है 22, और उसके अलावा पुणे में भी है, शायद मुंबई में, हाँ मुंबई में भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये समस्या जो है वो हर जिले, हर शहर और हर राज्य की है, सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है? तो इसके लिए आप किस किस को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से 2-3 कारण ऐसे हैं मुख्य, जिसकी वजह से लोग ऐसे बेघर होते हैं। तो जो बुजुर्ग ही हमें मिलते हैं, उसमें से ज्यादातर बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली है, कोई ना कोई है। फैमिली का मतलब सिर्फ अपना लड़का या अपनी लड़की नहीं होती है, उनके रिलेटिव में, उनके उसमें, सब में कोई ना कोई है। कोई भी इंसान आसमान से नहीं आया, उनके आसपास सब लोग हैं, और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी से दूर रहना चाहते हैं, तो वो उस अवस्था में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लड़के लड़की भी हैं, 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, तो कहते हैं ना कि हाँ, 4 माँ बाप के लिए 4 बच्चों को पालना बड़ा आसान होता है, और करते हैं वो, लेकिन 4 बच्चों के लिए अपने एक माँ बाप को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लोग अपनी शौक इतनी ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि उन्हें अपने माँ बाप की तकलीफ नहीं दिख रही है, उनके लिए वो कुछ करना ही नहीं चाहते। और बुजुर्गों की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, खाने पीने का तो मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, उनकी डाइट 1-2 रोटी की होती है, उसे ज्यादा नहीं खाते हैं। जो मेन समस्या आती है वो होती है केयर की, उनसे बात करने की, उनको टाइम देने की, तो वो नहीं है आज के लोगों के पास। कोई भी पेरेंट्स अगर पैरालाइज्ड हो गया, बेड रिडन हो गया, या घर में भी है, अभी तो चलो आप कहोगे कि जो जरूरतमंद है वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे क्लब्स बन रहे हैं, सीनियर सिटीजन क्लब्स, जो ऐसे जो समृद्ध लोग हैं उनके बच्चे भी सही हैं, घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वो बुजुर्ग भी वहां जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जो इंसान पूरी जिंदगी अपनी मेहनत करता है, 60-70-80 की उम्र में आता है, और पूरी जिंदगी की उसकी एक संघर्ष, कि हर आदमी अपनी नजर में हीरो होता है, उसकी एक संघर्ष की कहानी होती है, और उन्हें अच्छा लगता है। जैसे हम गांव में ही देखते थे अपने पुराने समय, कि हमारे दादा होते थे, अपनी कहानी सुनाते थे, 5 लोग घेर के उन्हें सुन रहे होते थे, आज उन्हें सुनने वाला एक भी नहीं है। तो उन्हें बस अपनी बात कहनी होती है, और कोई उनकी बात को सुने, वही उनके लिए खाना है, वही उनके लिए संतोष है। तो ये चीजें नहीं मिल रही है, कनेक्शन खत्म हो गया, बच्चे उन्हें समय नहीं दे रहे, उन्हें सम्मान नहीं दे रहे। बुजुर्गों की जो भूख है वो सिर्फ सम्मान की है और थोड़े समय की है।
जैसे आप भी युवा हैं और आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम आज के युवा को देखें तो वो किसी और ही दिशा में भटका हुआ है, तो इसका इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं कभी भी किसी को लेकर जजमेंटल नहीं रहता हूँ कि मैं किसी को गलत ठहरा हूँ या किसी के विचार को गलत ठहरा हूँ। हर कोई अपने मन के शांति के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करता है। कुछ लोगों को डांस करने से सुकून मिलता है, कुछ लोगों को घूमने से, ट्रैवलिंग करने से सुकून मिलता है, कुछ लोगों को पढ़ने से सुकून मिलता है, कुछ लोगों को, सबके अपने अपने हॉबीज हैं। कुछ को क्लबिंग करने से अच्छा लगता है, मुझे इस चीज से सुकून मिलता है। मैं कोई भी समाज पे किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूँ। हम कोई होते ही नहीं है किसी का अच्छा करने वाले। मेरे बाद भी ये चीजें होती रहेंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, सॉल्यूशन भी आएगा। मेरे से पहले भी होती आ रही थी, सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं है वो। मेरा लक ऐसा है या मैं खुश नसीब हूं कि मैं इस चीज को कर रहा हूँ, और मैं इस चीज को इसलिए कर रहा हूं, मैं कोई समाज पे उपकार नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ये चीज करने से अच्छा लग रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप जैसे अपने हॉबी की चीज डांस करते हो, आपको खुशी मिलती है, रिफ्रेश हो जाते हो, तो मैं ये करके रिफ्रेश होता हूँ और मुझे मजा आता है। मुझे टाइम टाइम नहीं लगता है, रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई काम वाम कर रहा हूँ। मुझे वो चीजें मेरी हॉबी है। तो जो चीज जिस चीज के अट्रैक्ट हो चुका है जिन लोगों के लिए, वो वही करेंगे। आप उन्हें बताओगे ये चीजें तो उसके वो 10 नेगेटिव साइड ढूंढ लेंगे। आप भी जो चीज आप नहीं कर रहे हो उसके आपको नेगेटिव साइड बोले, आप 10 ढूंढोगे। कल को आप वो करने लगोगे तो फिर आप उसको प्रोटेक्ट करने के भी 10 साइड ढूंढोगे। तो सारी चीजें डिबेट पे आके खत्म हो जाती है। हम किसी भी चीज को लेके जजमेंटल नहीं हो सकते कि मैं कर रहा हूं तो मैं सबसे सही हूं दुनिया में, मैं इस तरह का अहंकार पाल लू, मैं कहूँ सब बेकार है, सब कुछ नहीं कर रहे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं, सबकी सोच ऐसे है, मैं सबको कोसना शुरू कर दूं, तो ये कहीं से उचित नहीं होगा। हम जो करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। और एक कहावत भी है कि हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे होते, अपने आप को उपकृत कर रहे होते हैं। मुझे ये मौका मिला है तो ईश्वर इसके बदले मुझे बहुत कुछ रिटर्न दे रहा है, जो मेरी आशा नहीं थी, लेकिन वो किसी का नहीं रखता है। आप अगर किसी के लिए 1 हेल्प करोगे, भगवान आपको 5 करके देगा। आज मैं अगर लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उसके बदले में जो मान सम्मान ये सब चीजें, ये भी उसकी कीमत ही है। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज अगर मुझे कोई बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मैं तो कहीं से बिलोंग ही नहीं करता था, मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन आज मुझे क्यों मिल रहा है, तो उनकी दुआओं का असर है। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, हर चीज का मोल है और मोल अलग अलग होता है। बिल्कुल, जब आप सड़कों से रेस्क्यू करके लाते हैं, खास करके बुजुर्ग माता पिता को, बुजुर्गों को, तो एक तो उनकी शारीरिक हालत होती है जो दिखती है, और एक उनकी मानसिक स्थिति होती है। तो आप काफी, मैंने देखा आप बहुत ज्यादा टच में रहते हो और बहुत ज्यादा अपनापन आपकी वीडियोस में दिखाई देता है, तो आपने फील किया कभी उनकी जो आंतरिक स्थिति होती है वो क्या होती है, क्या सोच रहे होते हैं, क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में? जी, ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपके अंदर भावना नहीं है या आप दिल से नहीं कर रहे हो, आजकल काफी ट्रेंड हो गया है, लोग सोशल मीडिया पे भी वीडियोस बना रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग में देख रहा हूँ, कुछ भी करते हुए कर रहे हैं, बना रहे हैं। मैं उनको कमेंट नहीं करूंगा, चलो किसी की हेल्प हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन 2 चीजें होती है, कुछ लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं, और कुछ लोग सोशल वर्क के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सोशल मीडिया पे स्विच होने का रीजन था, मैं बताया जैसा कि मैं 8-9 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं 1.5-2 साल से एक्टिव हूँ। मेरा उसका रीजन था कि मैं जहां पे नहीं पहुंचता, आपका जो पहला प्रश्न था कि बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं आज रील्स देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनको डांस दिख रहा है तो घर में आके डांस कर रहे हैं, कोई कॉमेडी के लाइंस देख रहे हैं तो कॉमेडी कर रहे हैं, तो जो चीज दिख रहे हैं उससे वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। तो क्या पता किसी को ह्यूमैनिटी दिख जाए और वो आसपास ये करने लगे, तो हम अपने विचार को सब जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये कारण था कि मैं अगर किसी एक सिटी में करूंगा, आपने कहा कि आपके सेल्टर सूरत में है, मुंबई में, लेकिन समस्या तो सभी जगह है, तो उससे आप सॉल्यूशन लाओगे, तो हम अपने समय को, अपने क्षेत्र को इस तरह बढ़ाएंगे, सोच को बढ़ाकर, कि जो जहां भी है इस चीज को देखता है कि एक तरुण है, उसकी भी एक नॉर्मल लाइफ है जैसे हमारी है, उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी ऐसे ही सुबह उठता है, उतना ही टाइम है, वो कर रहा है, तो किसी युवा का जुनून जाएगा तो मैं भी कर सकता हूँ, वो अपने जगह पे स्टार्ट करेगा, तो ऐसी भावनाएं फैलेंगी, लोग सीखेंगे, तो ही जाके मैं हर जगह पहुंच पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सोशल मीडिया का चूज किया। मतलब सोशल मीडिया के बाद आपको चेंज दिखाई दे रहा है सोसाइटी में? यस, अभी काफी फोन आते हैं, कुछ ऐसे बच्चों के फोन आए जिन्होंने कहा कि भैया मेरे को, मैं पहले गैंगस्टर को आइडल मानता था, ऐसा बनना है वैसा बनना है, अलग टसन में रहता था,
अभी आपके वीडियो देखता हूँ तो बहुत नॉर्म होगा, मेरे को लगता है कि नहीं यार मुझे भैया जैसा बनना है, मुझे ऐसा करना है। कुछ लोग फोन करते हैं, वो भावुक होते हैं, बोलते हैं मैंने ऑफिस में आपका रील्स देखा, वीडियो देखा। तो घर पे जाता हूँ तो अपने माँ बाप को अलग नजर से, उनके प्रति और प्यार बढ़ जाता है कि ये तो किसी के नहीं है, कोई इतने दुखी है, मेरे तो घर में है, तो मैं उनको टाइम दे रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ। तो असर तो होता है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन जिस हिसाब से आपका जो बिजी शेड्यूल है, आप जो बिजी रहते हो तो घर पे डांट तो पड़ती होगी काफी सारी टाइम बिल्कुल ना देने की वजह हाँ, से। मैं कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को खुश कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज मेरे से मेरे घर वाले ही रहते होंगे। मैं किसी भी फेस्टिवल में घर पे नहीं रहता हूँ। जैसे अभी रिसेंट ही दिवाली, तो दिवाली के एक दिन पहले मैं बैग उठा के चल दिया कि मैं जा रहा हूँ शेल्टर मुंबई, गुजरात से मुंबई काफी दूर है। घर वाले बोले आज दिवाली है फिर भी, तो मैंने कहा दिवाली है लेकिन अब उन लोगों की दिवाली कैसे होगी, मेरे स्टाफ भी छुट्टी पे गए हैं, वो सैलरीड है, मैं उनसे प्रेशर नहीं, उनकी फैमिली है। लेकिन अगर मैं उनके पास जाता हूँ जिन्होंने कभी दिवाली ही नहीं मनाई है और उनको मैं खुशी ला पाता हूँ तो वो ज्यादा खुश होता है। तुम लोग तो मेरे से प्यार करोगे ही, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं वो सोच के वहां गया और काफी अच्छी दिवाली सेलिब्रेट की, सब कुछ किया जितना डेकोरेशन से लेकर, और सब लोग काफी हैप्पी हुए। तो एक ये चीजें होती है कि हमें ये देखना है कि नंबर्स कहाँ पे है। और घर परिवार का भी ये है कि वो समझते हैं, मेरी मम्मी काफी मुझे बोलेगी, मेरे को कभी भी नहीं बोलेगी अच्छा ये करता नहीं है, ग्लव्स नहीं पहनता, ये नहीं करता है, क्या काम चुन लिया है, कैसे लोगों को उठाता है, दूसरा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजों में फैक्टर्स में बोलती है, शादी कर ले, उम्र हो गया है, ऐसे ऐसे काम करेगा तो कौन करेगी तेरे से, इसलिए तो तेरी शादी नहीं हो रही है। मैं कहा नहीं हो रही है, कोई बात, सुन लेता हूँ, माँ है, माँ का एक एंगल अलग होता है देखने का। तो वो सारी चीजें चलती रहती है घर में, डांट फटकार कोई भी कितना भी है तो परिवार में और घर में तो वैसा ही है। लेकिन सरप्राइज मिला, कुछ दिन पहले एक न्यूज इंटरव्यू था तो मेरे घर पे फर्स्ट टाइम शूट हुआ था मम्मी का, अच्छा तो वो बहुत बड़बड़ के तारीफ कर रही थी, तो मैं भी शॉक्ड था, मेरे को लगा, मेरे को डर लगता था, मैं कभी नहीं ले जाता था मम्मी के पास किसी को, ये तो बोलने लगेंगी उल्टा सीधा। लेकिन जब वो कैमरा चलो न्यूज वाले, तो बहुत बड़बड़ के बोले हमने कभी सोचा नहीं था, हमें बहुत गर्व होता है, टीवी पे देखती हूँ इतने सारे की सेवा कर रहा है और मेरा लड़का है, मेरे पास नहीं रहता तो ये सोच के संतोष कर लेती हूँ कि इतने सारे लोगों की सेवा कर। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि चलो सोचते तो सब है, मैं गलत था। कहीं नहीं, वो संस्कार ही है जिसकी वजह से आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि शेल्टर होम से चले चलिए ठीक है, ठिकाना मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि शेल्टर होम से बाहरी शांति तो मिल जाती है लेकिन जो सुकून होता है, जैसे आपने बोला कि फैमिली में जाके अलग ही सुकून मिलता है, तो जो सुकून होता है, जो शांति होती है, वो अपनों के बीच ही मिलती है, अपने बेटा अपने बेटी अपने बहू इनके बीच। तो इसके लिए और क्या कुछ कर सकते हैं हम? बिल्कुल, ये जो वृद्धाश्रम है, खासकर शेल्टर होम, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, ये कोई चॉइस नहीं है और ये अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है, ये तो एक समाज की मजबूरी है। कोई भी वृद्धाश्रम या कोई भी वो जो परिवार में सुख होता है वो नहीं दे सकता है। वो तो चलो ये है कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ मिल रहा है, ये हमारा विकल्प है, ये हमारे जो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया उसका एक विकल्प आ गया है कि हाँ उन्हें रहना है और वहां पे उनको चलो बेसिक चीजें मिल रही है, लेकिन वो संतोष नहीं है। असली संतोष फैमिली में ही होता है, लेकिन परिवार जब ऐसा हो जाए कि वो वहां रख नहीं रहा है तो वो स्वेच्छा से, कई लोग तो सब कुछ होते हुए भी छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं रहना है इनके बीच में, उन्हें वो शांति नहीं मिल रही है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, कुछ उसको बनाता है कि मैं बुढ़ापे में इस चीज का आनंद ले पाऊंगा कि मेरा लड़का ये कर रहा है, उसको देखता है मेरी लड़की ये कर रही है, और उसके तरक्की में वो अपनी तरक्की फील करता है। तो जब ये सब चीजें हमारे समाज से विलुप्त हो रही है, वो फीलिंग्स विलुप्त हो रही है, तो ये विकल्प में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं और अभी इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अभी बहुत कॉमन हो गया है, और आने वाले टाइम में हाँ, तो ट्रेंड मुझे चल लगता गया है है। कि और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि समय को कोई नहीं रोक सकता है, हम आप इस समय के पात्र हैं, समय अपने हिसाब से चल रहा है, जिस तरह की हम कह रहे हैं सो कॉल्ड डेवलप्ड, प्रगति, तरक्की वेस्टर्न सब कल्चर, चीज कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर नहीं कह सकते, उसका शायद प्रभाव। वेस्टर्न में भी शायद ऐसा कल्चर ना हो, हम वेस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न वेस्टर्न है, लेकिन हम उसका भारतीय हैं। प्रभाव तो हम ले रहे हैं। यस, और प्रभाव ऐसा है कि कभी क्या होता है ना, सीखने वाला जो होता है ना, वो जो एक्चुअल में सिखाने वाला है उससे ज्यादा करने की सोचता है। हम अगर वेस्टर्न देखते भी हैं तो आप उनसे वो चीजें देख रहे हो, चलो वो ऐसा कर रहे हैं लेकिन आप वैसा कर रहे हो जैसा वो भी नहीं कर रहे, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करने, क्योंकि वो आपकी पहचान नहीं है, और जब आप किसी दूसरे के पहचान को धारण करोगे तो उसमें आप बेहतर करने के चक्कर में गलत ही करोगे। हमारी जो संरचना है, हमारी जो संस्कृति है, वो बिल्कुल भिन्न है,
देवों की भूमि रही है। यहाँ पे हमेशा आज भी जो है मर्यादा, संस्कार, परिवार, सम्मेलन, ये सब चीजें हमारी धरोहर है। हम परिवार सीखते हैं। गांव में आप जाइए या ऐसे आप निम्न वर्गों से सीखे जिन्हें आप कहते हैं कि वो तो कुछ नहीं किया जिंदगी में, वो फिर भी अच्छे हैं। जब हम सड़क से ही गुजरते हैं, कोई झोपड़े पे नजर डालिए, वहां पे अगर चार लोगों का परिवार है वो खुश दिखेंगे। वाइफ है, बच्चे हैं, भले वो रोड पे उनके पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो एक अलग वो उत्साह है। सब एक दूसरे हंस भी रहे होते हैं, मजाक भी कर रहे होते हैं। ये नहीं कि वो वहां पे तो उनकी हंसी चली गई, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, बैठ के वही खा रहे हैं। उसकी जगह पे आप कई बड़े बड़े बंगलोज में भी चले जाएंगे, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो कौन अमीर है? किसको आप कहिएगा कि वो अमीर है? तो ये सारी चीजें हम बस सोचे जा रहे हैं। गांव में मैं मजदूरों को देखता हूँ, उनके आंख में वो नमी है। उनके परिवार का कोई मुखिया बीमार होता है, वो काम वाम जॉब वॉब छोड़ के जमीन बेच के आके दो दो महीने रोड पे गार्डन में सो रहे हैं, उनकी इलाज करवा रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है ये ठीक हो जाए। लेकिन आज जब माँ बाप मर भी जा रहे हैं तो फॉरेन से नहीं आ रहे कि मेरा PR कैंसिल हो जाएगा। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक ऐसा केस हुआ था कि हाँ, यहाँ पे मदर फादर की डेथ हुई थी, तो बच्चे उनके फॉरेन में थे, तो उनको आने का था दिन, तो बोले अभी जस्ट मेरा पीक पे है, PR का प्रोसेस चल रहा है, अगर मैं आता हूँ तो मेरी पूरी करियर खत्म हो जाएगी, तो मैं पैसे भेज देता हूँ, किसी को बोला अपने फ्रेंड को, उनका कर दो। तो यहाँ हम आके उलझ रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए संबंध निभाना, क्योंकि वो अभी भी उसी तरह से सोच रहे हैं। प्रगति करो, प्रगति अपने काम में लाओ, प्रगति अपने समाज में लाओ। प्रगति का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो मूल पहचान है वही भूल जाओ। आप शहर को मेट्रो सिटी बना रहे हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हो, सब चीज बना रहे हो, लेकिन उसके नीचे अगर 10 गरीब रो रहा है, कोई बुजुर्ग तड़प पड़ा है, तो वो मुझे प्रगति नहीं दिखता है। तो नजर हमेशा ऊपर नहीं, नीचे होनी चाहिए। मैं आज भी ट्रेवल करता हूँ, मेरी आंख हमेशा वो फुटपाथ के बीच का जगह देखती है, कौन सोया है उस पे सोचती है, ट्रैफिक पे जब बच्चे मांगने आते हैं इन पे सोचता हूँ, ये कौन है, क्यों है ऐसे। अक्सर हम देखते हैं, आते हैं, शीशे खटखटाते हैं, हम शीशे नीचे करते हैं, 10 रुपए देते हैं, हमें लगता है हमने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। हम उन्हें मानसिक विकलांग बना रहे होते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी कुछ नहीं देखा है, उनको नहीं पता है क्या करना है, उनको घर वाले या बच्चे है, उनके पेरेंट्स की ऐसी सोच होगी कि चलो भेज देते हैं, वो दिन भर में 500-1000 रुपए ला रहे हैं, महीने का 30,000 हो गया, उनकी जरूरत पूरी हो रही है, उनको लग रहा है इससे बेटर विकल्प ही नहीं है, क्यों पढ़े, क्यों कहीं जाए, और वो वही कर रहे हैं। उनको देख के 5 और को सीख रहे हैं, गांव से आओ चलो ये करते हैं, तो वो सिग्नल पकड़ लो, मैं ये सिग्नल पकड़ लेता हूँ। अगर सोचो कि हमने नहीं दिया उसको, कोई नहीं दे रहा है, वो खड़े हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो ऑप्शन ढूंढेंगे कि यार कैसे हम अच्छे बन सकते, कैसे हम कमा सकते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसे हॉस्टल ढूंढेंगे जहाँ पे यार फ्री में रखते हो, गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रगल करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, पेपर भेजते थे, वो भी तो ये रास्ता चुन सकते थे, उन्होंने संघर्ष किया, वैज्ञानिक बने। मैं भी किताब बेचता, मैं भी रुक जाता तो मैं कुछ और कर रहा होता कि चलो नहीं अपने कुछ और करते हैं, लेकिन जो रुका नहीं है उसी ने कुछ किया। लेकिन हम उसे वो विकल्प ही नहीं दे रहे सोचने का, हम उसे पैसे दे के मानसिक विकलांग बना रहे हैं। एक शारीरिक विकलांग होता है, तो वो बच्चा आगे संघर्ष का रास्ता नहीं चुन रहा है, उस तरफ नहीं सोच रहा है। तो दान कर देना, हम जाते हैं कहीं भी, किसी को 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया सिग्नल पे दे दी, हम जान नहीं रहे वो कहाँ जा रहा है। हर रोड पे बैठा आदमी जरूरतमंद नहीं होता है, वो आपके पैसे का दुरुपयोग भी कर रहा होगा, उससे कोई व्यसन भी कर रहा होगा। तो उन्हें पैसे देने की जगह सही जगह पे ले जाए, परमानेंट सॉल्यूशन दे, तो ज्यादा बेहतर है। आपने एक बात की कि जो विदेशों में भी नहीं हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, और मैंने कई सारी वीडियोस भी आपकी देखी, सड़कों से रेस्क्यू का तो ठीक है, लेकिन मैंने वीडियोस वो भी देखी कि आप घरों से रेस्क्यू करके ला रहे हैं, और फिर थोड़ी सर्च की तो पता चला कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं खास करके, वो ये चाहते हैं कि चार दीवारी के बाहर बात ना जाए, और वो वहीं पे घुट घुट के रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेस्क्यू आपने किए, उनके बारे में जरा कुछ बताएं। रेस्क्यू कहते हैं होमलेस कोई भी हो सकता है, इसका कोई क्लास से लेना देना नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चलो एब्सेंस ऑफ फैमिली होती है, उनके कोई परिवार में है नहीं, तो उस वजह से वो जब तक हाथ पैर शरीर काम करता है, वो स्वाभिमान से अपना काम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं और अपना जी रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर साथ छोड़ता है तो कहा जाता है हम अपने रिश्ते पे भी बोझ बन जाते हैं। तो मेन उनकी तब वो प्रॉब्लम शुरू होती है कि चलो वो उनके कोई भी नहीं है और वो सबसे कटे हुए हैं, अलग रह रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, उतना कर रहे हैं कि खा ले रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन जब आपका हाथ पैर ही नहीं चलेगा तो आप क्या करोगे? आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो, किसी को आप कहोगे मैं पैसे के दम पे रख लूंगा, रखोगे आपका पैसा भी लेके भाग जाएगा और नहीं करेगा, क्या कर लोगे? तो वो विकल्प नहीं है। तो जीवन में वो कमाना चाहिए जो हमें सही में काम आए। आज
लोग मुझे कह रहे हैं यंग हो, माइंड अच्छा है, आप बिजनेस में अच्छा डेवलप, आप ये सब चीज क्या अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इससे आपकी जिंदगी जाएगी? तो वो समय बताएगा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, कौन समय बर्बाद कर रहा है। मैं आज अनमैरिड भी हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं, मुझे अफसोस ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं भी करूंगा ना तो मेरे सेवा के लिए 500 बच्चे होंगे, क्योंकि आज इतने बच्चे मेरे पास है जिनका कोई भी नहीं है और उनके अंदर जो प्यार है शायद अपने भी नहीं करें, और वो मुझसे इतना प्यार, कभी भी मेरे साथ दूसरे लोग नहीं पूछे खाना खाया कि नहीं, वो मुझे फोन करके पूछते भैया आपने खाया अब ठीक? तो वो एक प्यार है। और बहुत ऐसे उदाहरण भी हो चुके, बहुत ऐसे संत हैं, बहुत ऐसे समाज से भी हैं जिन्होंने ऐसा चीज किया अपने जवानी के दिन में, बुढ़ापे में उनकी हेल्प के लिए, उनकी सेवा के लिए लोग लाइन लगाते हैं, लागू लोग थोड़ा सा मौका मिल जाए हेल्प करें। तो आप अपने कर्म, आप जो सोसाइटी को दोगे सोसाइटी आपको देगा। तो सही समय पर सब चीज करना चाहिए और थोड़ा सा पर्सनल होके अलग सोचना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अपने समाज को अच्छा बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर सिर्फ परिवार के लिए कर रहे हैं तो वो हमारी उत्तरदायित्व है और हम कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं, लेकिन हम समाज के लिए कर रहे हैं तो वो हमें रिटर्न में मिलेगा। तो वो चीजें जानना जरूरी है। तो आपने जैसे बच्चों का जिक्र किया, तो एक बच्चे का वीडियो बहुत मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, आपका इंटरव्यू लेना था इसलिए। संघर्ष नाम का एक बच्चा था, तो उसके साथ कई सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी, तो वो क्या स्टोरी है उस बच्चे की? संघर्ष एक्चुअली उसकी मम्मी है रमा, जो मानसिक है, मेंटली इल है। तो वो जब पेट में था 7 महीने की थी, तो वो रोड पे कहीं पे पड़ी हुई थी। अब उसके साथ किसने क्या किया, कैसे किया, कोई हमारे पास प्रीवियस डेटा नहीं था, लेकिन वो हमें रोड पे मिली थी। वहाँ पे वो 7 महीने के प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ के एक आदमी ने हमें कॉल किया, वहाँ से हम उसको रेस्क्यू करके लाए पुलिस की हेल्प से। और वो मानसिक थी तो उसे उस चीज़ की कोई केयर नहीं, वो उसे ध्यान रखने के लिए हमने एक स्पेशल नर्स है हमारी, उसका पूरा टाइम ध्यान रखा जब तक वो 9 महीने का नहीं हुआ। और वो समझो कि 9 महीने तक भी वो भाग रही है, दौड़ रही है, उसके अंदर कोई भी हंस रही है, कूद रही है, उसके अंदर थोड़ा भी प्रेगनेंसी वाला वो नहीं था, क्योंकि वो मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फिर जब उसका वो हुआ, हॉस्पिटल गई तो डिलीवरी हुआ, तो संघर्ष आया। अभी संघर्ष 5 महीने का है। तो ये उसकी कहानी है, और उसकी मम्मी को आज भी नहीं पता है कि मेरा लड़का है, कोई अटैचमेंट नहीं, आज भी वहाँ के लोग ही उसे देख रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ की मानसिक हालत ऐसी है कि उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। अब उसकी उस अवस्था का फायदा उठाया, किसने उठाया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल ये भी था मेरा कि लगातार काम करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, लेकिन अब ये सवाल रहा ही नहीं, क्योंकि समझ आ गया कहाँ से मिलता है मोटिवेशन। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।